कांग्रेस के नवनिर्वाचित ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद अहिरवार शनिवार को रहली के ग्राम चांदपुर में आयोजित जन अधिकार यात्रा में शामिल होने के पूर्व रहली में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनूप ददरिया के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिला ग्रामीण अध्यक्ष आनंद अहिरवार ने मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा शाहपुर में दिए बयान, जिसमें कहा कि कांग्रेस की सरकार एक साल तक नहीं टिक सकती है, इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर इन्होंने ऐसा कहा तो इस कथनी से स्वयं सिद्ध होता है इनकी क्या कोशिश होगी ईमानदारी से काम करने में, कितनी कठिनाइयां होती हैं। हमारे नेता कमलनाथ कहते हैं कि मेरे साथ मत दो, सत्य का साथ दो, सत्य और अहिंसा पर चलने वाले लोगों का साथ दो। कांग्रेस की एकजुटता को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हम लोग का प्रयास है कि एक साथ रहें, कोशिश करेंगे कि एकजुट रहें। हर बार गुटबाजी होती है, आशा तो यह की जाती है अब एकता वाली गुटबाजी हो, और एकता वाली गुटबाजी होगी। ग्रामीण की जो समस्याएं हैं, सरकार से जो दुखी लोग हैं, आम जन परेशान हैं, गरीबी से दबा जा रहा है, गरीबी से आत्महत्या कर लेता है व्यक्ति, बिजली के बिल पे अपनी गाथा लिख के जाता है, दूसरा पुलिस की अभिरक्षा में एक नौजवान को इतना मारा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तीसरा कीर्तिक पटेल जो नया लड़का एकदम, उसकी मृत्यु के कारणों का और उसके उनके घर के सामने से ले जाया जाता लेकिन उसे बताया नहीं जाता, और आज तक अब एक 3-4 दिनों के भीतर चालान पेश हुआ हो तो पता नहीं, लेकिन 90 दिन के भीतर जो चालान पेश करने की कानून में वैधानिक प्रक्रिया है तो उन्होंने जांच ही नहीं की और उसको चालान पेश नहीं किया, तो बहुत सारी विसंगतियां शासन के दबाव में प्रशासन कर रहा है। तो इन बातों को अगर ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? इसमें भाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सागर आए तो उनको ये जानकारी देना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता था, वो उसका हमने निर्वहन किया। तो खानापूसी क्या हुई इस बारे में मुझे नहीं पता। मैं तो अपना देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रख रहा था, खानापूसी के संबंध में मुझे जानकारी।